नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं विजय डाटा, एमडी हैं विजय सॉल्वर्स के, हेमंत बंसल हैं, वीपी हैं रुचि सोया के, हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एडेबल ऑयल की खबर के साथ। खबर क्या है? नई खबर यह है कि आज एक मीटिंग हुई तेल कंपनियों के साथ सरकार की, खाद्य मंत्रालय की, और उसमें सरकार ने ये कहा तेल कंपनियों से कि चूंकि हाल के दिनों में दाम बहुत घटे हैं ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी, तो अब आप इसका फ़ायदा कंज्यूमर तक पास ऑन करें और MRP में कमी करें। तेल कंपनियों ने भी सरकार को ये भरोसा दिया है कि हाँ MRP में कमी की जाएगी, और ये भी बात निकल कर आई कि 20 रुपये प्रति लीटर तक की गुंजाइश है MRP में कमी करने की, जो हाल के दिनों में दाम घटे हैं। ये एक राहत की बात है, मतलब ये कि आपके लिए 15 से 20 रुपए प्रति लीटर खाने के तेल के दाम और घटने वाले हैं और सस्ता होने वाला है खाने के तेल। लेकिन क्या ये 15 से 20 रुपए कटौती ही काफ़ी है, या आपको, या फिर मार्केट की चाल कुछ ऐसी है, चूँकि पाम तेल के दाम 2 दिन में 20% गिर गए हैं, 20% गिर गए हैं, तो क्या आगे और गिरावट की गुंजाइश रहेगी, आगे और कमी की गुंजाइश MRP में रहेगी, इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल विजय डाटा जी आपसे। और विजय जी, स्कूटर ब्रांड जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, मेन ब्रांड मैं आपको बता रहा हूँ, और भी कई ब्रांड हैं, लेकिन स्कूटर ब्रांड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं डाटा जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर डाटा जी कि कब तक कटौती हो जाएगी सर MRP में? देखिए रतन जी, भाव विदेशों में ज्यादा घटे हैं और तेजी मंदी विदेशों के पीछे ही हम इम्पोर्ट करते हैं। विदेशों में भाव, इंडोनेशिया ने जो गलत काम किया था एक्सपोर्ट पे बैन लगा करके, उसका खामियाजा इंडोनेशिया भी भुगता रहे और दुनिया ने भी भुगता है। अपने भाव जो एबनॉर्मल बढ़े थे मई के महीने में, उसने बहुत पूरे वर्ल्ड के तेल के व्यापारियों को परेशान किया। वो खुद, उनके किसान बहुत परेशान हुए और बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, मैं ये कह सकता हूँ आपसे। उसकी वजह से अब एकदम जब एक्सपोर्ट उन्होंने खोला है, एकदम से बाजार धराशायी हुए हैं, और सबसे ज्यादा असर पाम ऑयल पे ही आया है, उसी की देखा देखी सोयाबीन तेल पे भी आया है। लेकिन देखिए, इनके भावों का जो 40% या 30% जो भाव गिरे हैं, इनको वो आने में इंडिया में जिस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स के बातें होती है, पाइपलाइन में जो टाइम लगता है, उसमें धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होता है कंज्यूमर तक पहुंचते। लेकिन ये बात तो सत्य है कि ये 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में धीरे धीरे करके ये निचले स्तर तक पहुंच जाएगा, और भावों में निश्चित रूप से 15-20 रुपए लीटर की विदेशी तेलों में गुंजाइश है, ऐसा मेरा मानना है। विदेशी तेलों में ही ज्यादा है, इंडिया के जो लोकल जो तेल हैं, जो देसी जो तेल हैं, सरसों हैं, मूंगफली है या कॉटन है, इनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विदेशी तेलों में ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, पाम ऑयल और सोयाबीन तेल में। जी, तेल और सोया तेल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फर्क ज्यादा पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? पाम ऑयल में करीब, ये बात सही है, 20-21 रुपए किलो करीब की पिछले 5-7 दिन में जो मंदी आई है विदेशी तेलों में, ये धीरे धीरे करके अगले 5-7-10 दिन में, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, हिस्टोरिक हाई पाम के शिप्स के भाड़े बढ़ गए हैं 2-3 रोज में ही, क्योंकि जिस तरीके से भाव टूटे हैं, लोगों ने सबने शिप मांग लिए, और क्यों, सभी लोग लोड करना चाहते हैं इन भावों में, लेकिन भाव भी बहुत ज्यादा, भाड़े बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बढ़ गए हैं, डबल करीब हो गए हैं, उसका भी असर आने वाला है, किस तरीके से होगा, कितना फर्क पड़ेगा। ये भाव निश्चित रूप से घटेंगे 15-20 रुपए लीटर के, करीब धीरे धीरे करके घट जाएंगे 15-20 रुपए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई, आप कह रहे हैं कि दाम अभी और घटेंगे। हमारे साथ हेमंत बंसल जी भी हैं। बंसल जी, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, आप लोगों ने MRP में कमी की भी है, और अभी भी आपकी प्रेस रिलीज जो अभी आप लोगों ने हाल में जारी की है वो मेरे पास है, 10 से 15 रुपए प्रति लीटर जो अलग अलग ब्रांड हैं आपके ऑयल के, महाकोश, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इसमें 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती आपने पिछले दिनों की है। महाकोश कच्ची घानी में भी आपने 15 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, बाकी ऑयल में भी।
अब इस बार कितनी कटौती करेंगे आप? नमस्कार मित्रन जी, देखिए हमारी जो कंपनी रुचि है वो हम हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं एमआरपी कम करने में भी, और एमआरपी कम करने का अंतराल तो 10 15 20 25 दिन का रहता है, बट एमआरपी के अलावा जैसे जैसे भाव मार्केट में घटते हैं वैसे वैसे हमारी कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो बेनिफिट डे टू डे प्राइसिंग में पास करते हैं, वो आगे रिटेलर को पास करते हैं और रिटेलर आगे कंज्यूमर को पास करते हैं, ताकि उनको भी एक जो निरंतर सस्ता तेल है वो मिलता रहे। बट डाटा जी का कहना ये भी बिल्कुल सही है कि जो आज इंटरनेशनली प्राइस घटे हैं उनको आने के अंदर में कुछ उस माल को आने में एक समय लगता है और वो लगेगा, और जहाँ तक एमआरपी की बात है वो एक हमारा कंटिन्यूस रिव्यू प्रोसेस रहता है, और जैसे जैसे भाव घटते हैं हम अपनी एमआरपी, अभी हमने लास्ट एमआरपी जो आपके पास प्रेस विज्ञप्ति वो 18 जून को ही कम करी है, आज उसे 15 ही दिन हुए हैं, तो और अभी वो अभी नई एमआरपी रिव्यू करना भी हमारे प्रीव्यू में चल रहा है कि हमें कैसे करना है तेल के भाव को देखते हैं। बट एमआरपी के अलावा जैसा मैंने कहा प्राइस एडवांटेज हम हमारी कंपनी कंज्यूमर्स के लिए कंटिन्यूस पास ऑन करती रहती है डे टू डे बेसिस। अच्छा ठीक है, अब डाटा जी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ठीक है ये तो एमआरपी आप लोग कम कर रहे हैं ये बात तो क्लियर हो गई कि अब एमआरपी कम होने वाली है ऑयल की और दाम घटने वाले हैं तेल के, और आप दो ऑयल कंपनी के बड़े एक्सपर्ट को सुन रहे हैं इस वक्त, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये बात समझ लें कि दो बड़ी तेल कंपनी के सीनियर अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको भरोसा दे रहे हैं कि तेल के दाम अभी और कम होंगे। लेकिन अब जरा डाटा जी मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं और मतलब आप देखिए कि बीएमडी पर क्रूड पाम तेल जो मलेशिया का वायदा बाजार है वहाँ पर क्रूड पाम तेल का भाव आज 10% और गिरा, कल भी गिरा था 10%, दो दिन में 20% दाम कम हो गए, रिकॉर्ड ऊंचाई से 50% दाम कम हो गए, बहुत तेज़ गिरावट आ गई है पाम तेल में। तो अब जरा आप बताइए सर कि क्या ये गिरावट थमेगी या बढ़ती जाएगी अभी? जी आज जो 10% गिरे थे उसमें से 7-8% वापस रिकवर हो गए रोज होते होते। तो कारण क्या है कि मैं कल भी एक बार बोला था आपको कि 100 मीटर का जो एथलीट होता है रेस लगाता है वो 100 मीटर पर रुकता नहीं है, कई बार 125-150 मीटर चला जाता है। ऐसे ही कई बार जब मार्केट गिरने लगता है तो एबनॉर्मली बॉटम दिखा जाता है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए बाजार काफी घट गए थे, एबनॉर्मली ज्यादा इतनी मंदी भी मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और हर भाव में बायर रहते भी हैं, रिप्लेस भी करते हैं सब लोग अपने स्टॉक्स को, तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि मंदा रुक गया है और इन भावों पे आके मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। ओके तो ठीक है, तो ये राय आपके। लेकिन बंसल जी आप बताइए, चूंकि आप तो पाम ऑयल में भी नजर रखते हैं पाम ऑयल के ऊपर, आपके हिसाब से ये ग्लोबली चल क्या रहा है? कल एक झटके में यूएस में सोया तेल के दाम 10% कट गए, मतलब घट गए, उसके बाद आप देखिए सोयाबीन के दाम 7% गिर गए कल, पाम तेल आज भी गिरा कल भी गिरा, आपको लगता है कि ग्लोबल एडेबल ऑयल मार्केट अभी और दबाव में रहेगा? देखिए मृत्युंजय जी, जितना फॉल अभी कुछ लास्ट के 15 दिनों में हुआ है ये मतलब मैंने तो शायद 15 दिन में अपने कैरियर में कभी नहीं देखा एक साथ में इतना गिरते हुए। और वैसे कहते हैं कि जो फॉलिंग मार्केट होता है उसका कोई बॉटम नहीं होता है, बट जो भी टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल्स थे वो सब टूट चुके हैं और उसके नीचे भी आज ये तेल के भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हालांकि ग्लोबली बहुत सारे फैक्टर हैं बट मुझे लगता है जितनी भी मंदी आनी थी आ गई है और इसके बाद इससे नीचे और गिरने की संभावना बहुत ही कम दिखती है। तो ये राय आपकी है ऑयल के ऊपर एडेबल ऑयल में कि अभी आपको करना क्या है। बहुत शुक्रिया बंसल जी आपका, डाटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में खाने के तेल की कीमतों के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में आपको करना क्या है, क्योंकि कल की जो शाम थी वो कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत डरावनी शाम थी, बहुत तेज़ गिरावट ग्लोबल मार्केट में गोल्ड में क्रूड में मेटल में सब में सब कमोडिटी में आई थी। अब आज के लिए जरा बताएं बीरेन जी क्या होगा शाम के कारोबार में गोल्ड का प्राइस? अभी भी ट्रेंड तो बेरिश है क्योंकि आज यूरो ने काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट 1.02 का ब्रेक किया है तो वो पेरिटी ट्रेड की ओर जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स ने 107 का स्तर करीबन 20 साल का हाई को टेस्ट किया है,
तो ये दोनों चीज कमोडिटी नेगेटिव रहेगी। तो गोल्ड में शायद 52,000 सॉरी 5150 के आसपास हम शॉर्ट जा सकते हैं। 50-800 तक का लक्ष्य है मेरा। मेटल्स थोड़ी ओवरसोल्ड है तो इसमें शायद हल्का सा बाउंस आएगा, बट उसमें भी इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो बेरिश है। ठीक है। अच्छा भाविक जी, आप जरा बताइए कि क्रूड में क्या होगा सर? कच्चा तेल आप देखिए क्या हुआ है, मतलब क्रूड में कल 10% कच्चे तेल के दाम घटे, आज आप देखिए कि क्रूड में इस वक्त करीब करीब 2% की तेजी है। कल की 10% की तेज गिरावट के बाद आज क्रूड का मार्केट रिकवर हुआ, और रिकवरी में भी इंडियन मार्केट में ब्रेंट और WTI क्रूड के मुकाबले ज्यादा रिकवरी है, 2% से ज्यादा मजबूत है MCX कच्चा तेल, लेकिन ब्रेंट और WTI क्रूड इसके मुकाबले कम तेज है। आप बताइए सर क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? गुड इवनिंग बतुल्य जी। मुझे अभी भी लग रहा है कि क्रूड में और थोड़ी बिकवाली आ सकती है। कल के इतने हैवी करेक्शन के बाद ऑब्वियसली थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो आएगी। तो यही हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्रेंट 104 के करीब और WTI वो वापस 100 के ऊपर आ गया है, बट अभी भी सस्टेनेबल रैली नहीं दिख रही है अपसाइड में। आई थिंक क्रूड में तभी सस्टेनेबल रैली दिखेगी जब सारे कॉमोडिटी और इक्विटी जो एसेट क्लास है उसमें वापस से तेजी मिलने की। आज के दिन हमारे यहाँ MCX में थोड़ा आउट परफॉर्म इसीलिए क्योंकि रुपी जो था वो भी अंडर परफॉर्म था। इनफैक्ट रुपी नया लो भी बनाया है आज के दिन, तो आई थिंक उसकी वजह से MCX में थोड़ी और तेज दिखा है। बट आई वुड से कि अभी भी सेलोन राइस की रणनीति रखनी चाहिए क्रूड में, कि जहाँ पे अराउंड 8050 के करीब अगर आता है क्रूड तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 7800 के टारगेट के लिए, और 8150 का स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे। ठीक है, ये राय आपकी है कच्चे तेल के ऊपर कि कच्चे तेल में अभी आपको करना क्या है। और बार बार हम कल का जिक्र कर रहे हैं कि कल मार्केट में बहुत भूचाल आया था, तो एक बार आपको कल की तस्वीर फिर से दिखाते हैं कि कल हुआ क्या है मार्केट में। ये देखिए, कल एक झटके में गोल्ड 2%, चांदी के दाम 3% गिर गए, बहुत तेज गिरावट आई। $35 ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम गिरे, MCX पर 800 रुपये। कच्चा तेल 10%, बहुत तेज गिरावट कल हमने, और नैमेक्स क्रूड कल 100 के भी नीचे आ गया था। नेचुरल गैस कल 8% टूटा था, बहुत तेज गिरावट, मतलब बिकवाली रुक नहीं रही थी। कॉपर 5%, एल्युमिनियम 4%, जिंक 2% तक कल टूट गए थे ग्लोबल मंदी के डर से। लेड 3.5%, निकेल 6%, मतलब कहीं पर भी आप देख लें कि गिरावट कम नहीं थी, मतलब कमाल का पैनिक था कल। और जैसे ही लंबी छुट्टी के बाद US का मार्केट खुला, उसके बाद जो बिकवाली आई पूरे मार्केट में, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो, सोयाबीन, सोया तेल, गेहूँ, कॉटन, सब में मतलब बहुत तेज़ गिरावट। सोया तेल 10% तक कम हो गए, 7% की गिरावट हमने सोयाबीन में देखी। तो अब जरा बीरेन जी ये बताइए सर, कल का तो मामला जो था वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल एग्री को लेकर अभी आपका नया आउटलुक है क्या? बेसिक जो मंदी है वो बेस मेटल और एनर्जी पैक की थी, और उसके पीछे एग्री मार्केट को भी जाना पड़ा। दोनों के फंडामेंटल अलग है, मेटल्स के, एनर्जी के और एग्री मार्केट के। जहाँ तक एग्री का सवाल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर अभी भी थोड़ा मैं अनफेवरेबल तो नहीं बोलूंगा, बट इतना फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्री कहीं स्टेबलाइज होनी चाहिए। अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट हरकत में आई है रुपी की मंदी रोकने के लिए, तो खाद्य तेलों में ड्यूटी वापस आएगी, कई सारे मेजर गोल्ड में ड्यूटी बढ़ी लास्ट वीक, इस तरह आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेल तिलहन में, दलहन में मंदी शायद रुकनी चाहिए। इंडियन टर्म्स में जितनी भी एसेट, जितनी भी कमोडिटी फॉरेन रिलेटेड है, चाइना रिलेटेड है, उसमें मंदी और भी थोड़ी बाकी है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मैंने कल ही क्रूड में लॉन्ग पोजीशन बनाई 8253 रुपये पे। आठ हजार दो सौ तिरपन पे आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मार्केट तो बहुत नीचे आ गया भाविक जी, क्या करें अब? देखिए मैंने बताया कि थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है क्योंकि कल की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है।
बट ये शॉर्ट कवरिंग कितनी अपसाइड वैल्यू है वो क्वेश्चनेबल है। मुझे लग रहा है कि आप आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 7800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहिए, और अगर अपसाइड आता है 8200 के करीब तो वापस निकल जाइए अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ से 8400 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। पर हाँ, 7800 के स्टॉप लॉस से अगर आपकी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब आती है तो निकल जाइए। नेक्स्ट कॉलर अरिहंत हैं जोधपुर से, पूछिए अरिहंत जी। ग्वार को लिया हुआ, देखते हैं रुकिए अभी। ग्वार किस भाव पे लिया है सर? 99 में। अच्छा, ग्वारगम लिया है आपने 9900 पे, 9635 आ गया भाव, क्या करें बीरेन जी? अभी 9510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जो बाय किया हुआ है उसको 9990 के आसपास, यानी 9950-9990 के बीच निकालना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर जगदीश हैं अहमदाबाद से, पूछिए जगदीश जी। प्रसन्न जी नमस्कार, कल के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बच गया मैं। और आज का सवाल ये है मेरा कि क्रूड 12 अप्रैल 2022 का लो टच करने आएगा या नहीं आएगा। अरे सर, इतना डरावना सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब 12 अप्रैल की वो तारीख हमें याद है, मतलब उस वक्त जो हुआ था वो तो मतलब सदियों में कभी कभी होता होगा, पिछले पहले तो कभी हुआ भी नहीं, आगे भी होगा तो पता नहीं कब होगा। लेकिन ठीक है, क्रूड पर अभी बीरेन जी क्या आपका आउटलुक है नया? क्योंकि बहुत उठापटक है मार्केट में, डिमांड घटने की आशंका है और उसी आशंका ने मार्केट को नीचे धकेला है, तो अब क्या नया आउटलुक है आपका कच्चे तेल पर? उसी दिन 12 अप्रैल को मैं शो पे था और मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया था कि ये शायद नेगेटिव ट्रेड होगा। उस दिन रात 1:30 बजे तक मैं स्क्रीन पे भी था और -40 का जो डॉल हुआ, इन मोमेंट का मैं साक्षी भी रहा हूँ। अब हाल की जो स्थिति है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंटली एक सुपर बुलिश फोरकास्ट आया था $380 का, वो हमारी थोड़ी बात भी हुई थी मंडे को शाम को, तो ये सुपर बुलिश फोरकास्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल इसमें से निकल रहा है, कॉमोडिटी में से डॉलर में जा रहा है, तो डॉलर काफ़ी तेज होगा। तो अभी की जो स्टोरी है बाय डॉलर सेल एनीथिंग, तो सेल एनीथिंग में क्रूड भी आ रहा है। मेरे रडार पे कहीं 7100 7200 ऐसा कुछ रेट नज़दीक के 3-4 वीक में दिख रहा है। ठीक बात। नेक्स्ट कॉलर भारती हैं, पूछिए भारती जी। हाँ हेलो जी, पूछें। हाँ जी, मेरे पास सिल्वर माइक 12 लॉट है 63,000 से, तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या करें? इसमें एवरेज अभी कर सकते हैं या कितने में एग्जिट करना है, क्या करना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी जानना है। 53,000 पे? 63 पे। अच्छा, ओके, 12 लॉट आपके पास है 63,000 पे। बताइए भाविक जी क्या किया जाए? देखिए, मैं एडवाइस दूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, ताकि अगर नीचे आए तो एवरेज की एटलीस्ट एवरेज करने की चाह ना हो। बट ऑलरेडी अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपका लॉस चल रहा है, और वैसे भी अगर देखें तो सिल्वर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखें तो ये 2 साल के हाई के ऊपर है, तो जहाँ पर सिल्वर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है और गोल्ड में इतनी मंदी नहीं दिख रही है। बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि आइधर आप 60,000 के लिए वेट कीजिए, अगर 60,000 के आसपास आता है तब निकल जाइए, या तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से और मंदी आ सकती है 53 अराउंड, तो 53,000 के आसपास अगर आता है प्राइसेस तब एवरेज करिए, या तो फिर 60,000 के आसपास आपकी अपनी पोजीशन निकल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशुतोष हैं कोलकाता से, पूछिए आशुतोष जी। सर, सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? चांदी में करंट रेट पर क्या करना चाहिए बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए सिल्वर में? 57,050 का लेवल है अभी जी। आज के दिन थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट शॉर्ट कवरिंग कितने सस्टेन होगी वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आज के दिन मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूँगा कि जहाँ पे अगर अपसाइड की रैली आती है तो सेल कर सकते हैं। तो सिल्वर अगर 57,550 से 57,600 के करीब आती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 56,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 58,300 का। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। अच्छा बीरेन जी,
कॉपर में अभी मतलब क्या किया जाए, 20 महीने के लो पर है कॉपर और लगातार गिरावट बढ़ी रही है कॉपर में, आज भी देखिए दबाव है 650 के नीचे ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स पर, क्या किया जाए अभी कॉपर में? 636 को अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट कॉल के हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए 636 ब्रेक होने पर, जिसकी स्टॉप लॉस 646 रख सकते हैं। डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव हम 615-617 रख सकते हैं। नेक्स्ट उदित हैं, पूछिए उदित जी। सर जी, क्या जुलाई महीने में गोल्ड 49,000 आ सकता है? जुलाई महीने में क्या गोल्ड 49,000 तक आ सकता है? बताइए भाभी जी, 51,000 के ऊपर है अभी। जी, एमसीएक्स में थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रुपी है वो ऑल टाइम लो पे जा रहा है, और दूसरा अगर देखें तो ये 5% की इम्पोर्ट टैक्स है, तो उसकी वजह से भी जो क्लियर पिक्चर कॉमेक्स के करीब अगर हम देखें तो वो नहीं है, जहाँ पे कॉमेक्स में क्लियरली डाउन ट्रेंड है, हमारे यहाँ अभी भी न्यूट्रल ट्रेंड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई में देखें तो आई थिंक 50,500 या 50,200 तक ही दिख रहा है, 49,000 एटलीस्ट जुलाई एंड तक तो अभी मुझे नहीं लग रहा है। क्या दिव्या है हमारे साथ, पूछिए दिव्या। जी सर, मेरे पास गोल्ड मिनी है 5 अगस्त की एक्सपायरी का, मैंने 508,00 पे शॉर्ट किया है। 508,00 पे आपने शॉर्ट किया है? जी ठीक है, ओके। बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए सर इनको? मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा, धीरे धीरे करके शायद 50-200, 50-300 आएगा, स्लो मोशन बेयर मार्केट है बट आएगा वो, प्रोबेबली 50-200-300 आना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बालकृष्ण हैं राजस्थान से, पूछिए बालकृष्ण जी। हाँ, ग्वार के ऊपर सही है जी, 6,000 कब तक हो जाएगा ग्वार? अच्छा हाँ भाभी जी बताइए, ग्वार में तो लगातार गिरावट ही है क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो बताइए सर क्या होगा ग्वार में अभी? जी जरूर, आपने जैसे बताया कि बारिश भी राजस्थान में अच्छी है और इनफैक्ट सोइंग की अगर डेटा भी देखे तो वो थोड़ा अच्छा है, और दूसरा देखे तो ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है यूएस में तो वो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी थोड़े गिरे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी अगर देखें तो थोड़ा सबड्यूड है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉटम आना चाहिए क्योंकि काफ़ी हम मंदी देख रहे हैं, प्रोबेबली 4700 से 4600 के करीब आता है, फिर वहाँ से प्राइसेस स्टेबल हो सकता है, और अपसाइड अभी भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 5300-5400 तक है। ठीक है, ओके चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके आज बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।